नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। मां अन्नपूर्णा कम्युनिटी किचन द्वारा आज राम जानकी मंदिर कमला रोड जयनगर में दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर 108 कन्या भोजन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सभी स्थानीय गणमान्य लोग, बुद्धिजीवी एवं समस्त नगरवासियों ने इस पुनीत कार्य में आकर भाग लिया और पुण्य के भागी बने। आपको बता दें कि जयनगर की यह संस्था पिछले लगभग 500 दिनों से रोज ही भूखे, जरूरतमंद, निर्धन, असहाय, विकलांग लोगों को एक समय का पेट भर भोजन करवाती है। इस संस्था का उद्देश्य ही भूखे लोगों को भोजन कराकर उनका पेट भरना है। आज नवरात्रि के पावन अवसर पर इस संस्था द्वारा 108 कन्या पूजन कराया गया। इस मौके पर संस्था के सभी सदस्य एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर जानकारी देते हुए संस्था के संरक्षकों ने संयुक्त रूप से बताया कि नवरात्र में कन्या पूजन का बहुत अधिक महत्व है। माना जाता है कि कन्याओं की पूजा करने के बाद ही व्रत पूर्ण होता है। माँ दुर्गा को समर्पित 9 दिनों के पावन पर्व नवरात्र माँ दुर्गा को समर्पित 9 दिनों का पावन पर्व नवरात्र नवमी तिथि के साथ समाप्त हो जाता है। नवरात्र के दिनों में कन्या पूजन का अधिक महत्व है। कुछ लोग नवरात्र की अष्टमी तिथि को कन्या पूजन करते हैं तो कुछ लोग नवमी तिथि के दिन। अष्टमी और नवमी के दिन देवी माँ की पूजा के साथ ही कुमारियों को भोजन कराया जाता है। वहीं संस्था के संस्थापक सदस्य समाज सेवी भाई श्याम जी राउत ने बताया कि नवरात्र की सप्तमी से कन्या पूजन शुरू हो जाता है। सप्तमी, अष्टमी और नवमी के दिन इन कन्याओं को नौ देवी का रूप मानकर पूजा जाता है। कन्याओं के पैरों को धोया जाता है और उन्हें आदर सत्कार के साथ भोजन कराया जाता है। ऐसा करने वाले भक्तों को माता सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है। नवरात्र के दौरान कन्या पूजन का विशेष महत्व है। नौ कन्याओं को नौ देवियों के रूप में पूजन के बाद भक्त व्रत पूरा करते हैं। भक्त अपनी सामर्थ्य के मुताबिक भोग लगाकर दक्षिणा देते हैं, इससे माता प्रसन्न होती है। सप्तमी से ही कन्या पूजन का महत्व है, लेकिन जो भक्त पूरे नौ दिन का व्रत करते हैं वे तिथियों के मुताबिक नवमी और दशमी को कन्या पूजन करने के बाद ही प्रसाद ग्रहण कर व्रत को समाप्त करते हैं। शास्त्रों में भी बताया गया है कि कन्या पूजन के लिए दुर्गाष्टमी के दिन को सबसे अहम और शुभ माना गया है। वहीं संस्था के अध्यक्ष सचिन सिंह ने बताया कि नवरात्र के दौरान भारत में कन्याओं को देवी का रूप मानकर पूजा जाता है, लेकिन कुछ लोग नवरात्र के बाद ये सब कुछ भूल जाते हैं। बहुत सी जगह कन्याओं का शोषण का शिकार होती हैं और उनका अपमान हो रहा है। ऐसे में भारत में बहुत सारे गांवों में कन्या के जन्म पर लोग दुखी हो जाते हैं। जरा सोचिए, क्या आप ऐसा करके देवी माँ के रूपों का अपमान नहीं कर रहे? कन्या और महिलाओं के प्रति हमें सोच बदलनी होगी। देवी तुल्य इन कन्याओं को और महिलाओं का सम्मान करना होगा। इनका आदर कर आप ईश्वर की पूजा के बराबर पुण्य प्राप्त करते हैं। शास्त्रों में भी बताया गया है कि जिस घर में औरत का सम्मान होता है वहाँ खुद ईश्वर वास करते हैं। बता दें कि पिछले साल भी इस संस्था से महिला विकास मंच के साथ जयनगर बस्ती में कन्या पूजन कराया गया था, जो इस वर्ष अनावरत जारी है। मधुबनी से लोकेश कुमार गुप्ता की खास रिपोर्ट। किए हैं उस संबंध में जानकारी दीजिए। सबसे पहले इस नवरात्रि में आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और माँ अन्नपूर्णा कम्युनिटी किचन पिछले साल भी और कई वर्षों से इस नवरात्रि में कन्या पूजन का आयोजन किया जाता है, और इस बार भी जयनगर के कमला रोड स्थित राम जानकी परिसर में, जो वहाँ मंदिर है उस परिसर में, बच्चों को बुला करके कन्या रूपी बच्चे को उनको माता रानी की तरह सजा करके, जितना भी उसका विधि विधान होता है वो करके, पूजा करके उनको प्रसाद के रूप में प्रसाद ग्रहण कराया गया है। और उनको ढेर सारी जो भी उसका व्यवस्था होता है वो करके उनको प्रसाद ग्रहण कराया गया है। सभी से हम लोग आशीर्वाद लिए हैं। नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। अगर आप जनमत की पुकार को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें।